namo loi sau Sahunam. hồn nam namo loi sau sa hồn nam aisho panchamukkaro aisho panchamukkaro sau ba bốn panasano sau ba panasano mandala nam cha sau सतां नमः हवै मंगलाम् परमं सदेई मंगलं ॐ नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय mm. नम जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मेरे मन एक डेली प्रेयर हाँ जय सचिता भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना कर ताकि मेरा शरीर रूपी मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी मैं बुरी सोबत से और से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में करो जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में मॉरल प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊप <laughs> ऐसे जवाब नहीं दिया इस हमने मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें जय सच्चिदानंद बुक्स स्टडी प्रेयर दैट डेली प्रेयर और स्टडी प्रेयर दैट स्टडी प्रेयर कंफ्यूज हो गया दादा आपने डेली प्रेयर का बोले स्टडी प्रेयर का नहीं नहीं स्टडी प्रेयर नहीं बेटे डेली प्रेयर तो मोनिका दीदी ने बोला ना हाँ

दक्ष आप hey दादा भगवान हे hey भगवान हम हैं आपके बच्चे हम है आपके बच्चे दिल के हैं कच्चे दिल के सच्चे दिल के हैं सच्चे फिर भी कच्चे। फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मोनिका से प्रेयर थां हाँ जय सच्चिदानंद हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान तुम्हें जुदा छु मोनिका जुदी छे हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान तुम्हें रियल छु मोनिका रिलेटिव छे हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान तमें परमानेंट हो, मोनिका टेम्परेटरी छे, जैसे चिदान। यही सच्ची दान है, दक्ष सेपरेशन प्रेर। <coughs> दक्ष सेपरेशन प्रेर। हेश शर्ट में दक्ष गाना, पलावों तक्षिल के। हेश शर्ट में दक्ष गाना, परमानेंट हो तक्ष, टेम्परेटरी हेश शर्ट में दक्ष गाना, पियालों तक्ष रिलेटिव है, जैसे ती दान है। एडजस्ट एवरीवन का क्या स्कोर है आज दक्ष दादा मैं आज सब जगह एडजस्ट हो गया था अच्छा तो बहुत अच्छी बात है दीदी के साथ सभी के साथ दादा दीदी थी नहीं अच्छा दीदी होती तो प्रॉब्लम होता नहीं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा, फिर मोनिका हाँ, कौन कौन है, है। अंधेरे में खिड़की बंद है तो पता नहीं चलता कौन कौन आपको नहीं सिर्फ मैं ही हूँ दादा ठीक है नो प्रॉब्लम उन लोगों की दो दीदियों की तबियत अच्छी है ना सेहत अच्छी है ना वो बहुत अच्छे हैं अच्छा अच्छा वेरी गुड ओके तो आपका एच एस का क्या स्कोर है आज का मैं कहीं पर एडजस्ट नहीं हुई बट मेरे लिए जहाँ मैं एडजस्ट नहीं हुई वहां पर मम्मी पापा, हाँ. पापा मेरे लिए अभी सुनाई दे रहा है मैं आज एडजस्ट नहीं हुई बट मम्मी पापा मेरे लिए एडजस्ट हुए थे अच्छा बराबर है वैसे भी मामी पापा ही एडजस्ट होते रहते हैं बच्चों तो कहा अभी तो बच्चे सब छोटे हैं ना हा? बोलो ना क्या हुआ था आज वो आ, मेरी जो सेविंग्स थी वो मम्मी ने कुछ अर्जेंट कामों के लिए उन्होंने मेरे से पूछे बगैर मेरे जो सेविंग्स थे वो ले लिए थे मुझे पता नहीं था तो करिश्मा ने बताया कि तुम्हारे सेविंग्स पूरे चले गए तो अच्छा। मम्मी ने कहा मैं दे दूंगी अभी थोड़ा अर्जेंट था अर्जेंट था इसलिए मैंने लिया था तो आपका समय सेविंग कितना कितना करोड़ का था नहीं करोड़ नहीं था सिर्फ था दो हजार था लाख था लाख नहीं वो बस मैं एक कर हाँ? वो बस मैं इकट्ठा करके रखती हूँ कितना टू था, कितना थाउजेंड हाँ? दो हजार और मम्मी पापा की वैल्यू कितनी है बहुत है बहुत यानी कितना है काउंटेबल है इन वैल्यूएबल है कि वैल्यूएबल है, है काउंटलेस है? है और है हाँ काउंटलेस है दादा और उसको इन वैल्यूएबल बोलते इनकी कोई वैल्यू नहीं कर सकते आ, और अगर आपके बचाए हुए पैसे उनको काम में आए तो, तो अच्छा है ना पर दादा जब भी अजेस करने जाते हो तो गुस्सा आ जाता है उस समय वो क्या सबको अजेस होती है तो गुस्सा आ जाता है नहीं मैं जब अजेस होने मेरी अंदर ऐसी भाव रहती है कि अजेस रहना है बट जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस समय मुझे सडनली गुस्सा आ जाता है और बाद में जब मैं थोड़ा आधा घंटा बैठ के सोचती हूं तब पता चलता है कि It, नहीं नहीं वो कुछ नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये मेरी गलती थी तभी स्पांटेनियसली हाँ. रिएक्शंस आ सकते हैं उसके लिए हमें कोई झगड़ा नहीं है समझ में आया हाँ, मम्मी उसी के लिए, के लिए नाराज हो हाँ मामी उसी के लिए नाराज हो गए क्या जब मैंने सडनली गुस्सा किया वो तो उनको उनको गुस्सा होने को नाराज होने का राइट है ना uh, वो वो Are गलत वो गलत है ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते ना uh, हाँ सक... और नहीं भी है भी नहीं गलत है ही नहीं समझ में आया uh, देखो एक बात समझना है आपने पढ़ाई कर ली कि पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है पूरी गलती होगी नहीं होगी होगी। तो ये समझना है गलतियां नहीं चाहिए वो बात सही है लेकिन हमें बात समझना है ख्याल में आया गलतियां होगी आपको करेक्शन करना पड़ेगा हमारा निश्चय है कि मुझे गलती नहीं करनी वो तो है ना हाँ, वो है नहीं? हाँ दादा तो गलती नहीं खुशी दादा आपकी आवाज कट रही है एक मिनट एक मिनट मुझे देखने दो हां स्पीकर हां अभी कैसा है आवाज मतलब ओके है, है? हां हेलो हाँ दादा हाँ नहीं वो मैंने हेडफोन लगाया ना वो तो सुनाई नहीं देता था इसीलिए ओके अभी मेरी आवाज आती है हां। हां। ओके तो देखो हम सीख रहे हैं तो जब सीखते हैं तो तब गलतियां होने की संभावना है हां। तो उसे हमें डरना नहीं है लेकिन बाद में हमें उसको ठीक कर देना है मम्मी को जाके बोलना है कि तो माफ आ, ये पैसे आपके नहीं है मैं ही आपके हूँ ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं हाँ मम्मी पापा आपके नहीं है? है तो हम हम जब ये महसूस करते हैं कि मम्मी पापा हमारे हैं वो कब साबित होता है प्रूव होता है जब हम पूरे हंड्रेड परसेंट उनके है।, है वरना वो भी तो जानते हैं ना कि बच्चों ने बड़ी मेहनत से बचा बचा कर इतना पैसा इकट्ठा किया है करके ख्याल में आया हाँ ये आपको फील होता है वो एक्सेप्टेड उसके लिए कोई झगड़ा नहीं है लेकिन हम आखिर में उसको यही कर तो मम्मी को होने दो ना, हमारी समझ पक्की रखनी है इतनी हाँ। अच्छी मम्मी मिली है आपको कितना आपको जो चाहिए वो खाना बना के देती है देती है कि नहीं देती है हाँ। बोलते नहीं कहा मेरी गलती हो गई जलबाजी में गलती हो गई समझ में आया फिर आपका वो ये जो मुंह चढ़ जाता है ना, वो नहीं होगा ऐसा है ना देखो पापा मम्मी आपके लिए कितना काम करते हैं? बहुत काम करते हैं आप पापा मम्मी का कितना काम करते हैं मैं बहुत करती मर्जी होती तो मना भी कर देते है हाँ, सही है हाँ। तो यहाँ हमें ये सोचना है ओहो आज मैं मेरे पापा मम्मी को काम में आई थैंक यू दादा समझ में आया हाँ। और मन में बिल्कुल बुरा नहीं लगाना हाँ। क्योंकि जो देता है ना वो कुदरत उनको मल्टीप्लाई करके देता है पलट के देता है समझ में आया हाँ। जैसे वो देखो एक आम की गुटली बोते हैं ना हाँ। तो कितने आम मिलते हैं? बहुत मिलते हैं अरे ढेर सारे हो कितने साल तक समझ हाँ। में आया पापा हाँ। मम्मी ने आपके पैसे उपयोग में लिए वो तो बड़ी अच्छी बात है हाँ ये स्वाभाविक है थोड़ा बुरा लग सकता है आपको लगता है कि मैंने इतने सालों से इकट्ठा किया है और इन लोगों ने ले लिया ऐसा लग सकता है लेकिन हमें ये समझना है पीछे पीछे सही समझ से उसको सॉल्व कर देने का समाधान ले आना है ठीक है वेरी गुड एनालिसिस और आपने फिर माफी मांगी कि नहीं बाद में माफी नहीं मांगी नहीं मांगी ना तो फिर मांग लेना बाद में सत्संग के बाद अहंकार हाँ? आ, एक एक तो आ जाता है ना हाँ अहंकार आ सकता है लेकिन अगर आप अहंकार को सुनेंगे तो और मोटा होगा हाँ। और उसको नहीं सुनेंगे तो पतला हो जाएगा ये उसको और मोटा खाना खिला के मोटा करना है या पतला करना है पतला करना है। हाँ पतला करना हाँ पतला करना है तो दादा जी शक्ति मांग के माफी मांगने की दादा जी शक्ति मांगो तो मम्मी के अंदर सुधारत्मा है कि नहीं है दादा हाँ तो उनके अंदर के सुधारत्मा से शक्ति हाँ, मांगो फिर ये जो माफी मांगेगी वो सुधारत्मा मांगेगा कि मोनिका मांगेगी हाँ सुधारत्मा हाँ ये जो माफी मांगेगा वो शुद्धात्मा मांगेगा कि मोनिका मांगेगी मोनिका मांगेगी हाँ तो आप मोनिका को बोलना है hey, मोनिका मैं आपको बहुत शक्ति देती हूँ आप मांगो हाँ, हाँ। फिर वो शक्ति मिलेगी दादा से मांगो मम्मी के शुद्ध आत्मा से मांगो अपने भीतर के शुद्ध आत्मा से मांगो फिर देखो क्या क्या मिराकल होता है हाँ। समझ में आया आप गलत है ये मैं नहीं बताता हूं समझ में आया हाँ आप गलत नहीं है ये तो ऐसा होता है क्योंकि तो बहुत मेहनत से बचाया है ना इतने वो करके लेकिन बात समझ में आ गई ना, ना और इस तरह से ऐसी परिस्थिति में त, तत्काल एडजस्ट नहीं होंगे लेकिन फाइनली एडजस्ट हो जाने का समझ तो में आया देखो एक और भी बात है अगर आप चिढ़ाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे झगड़ा करेंगे तो आपके पीछे वो दो दीदिया है ना वो सीखेगी कि नहीं सीखेगी। लेकिन आप अगर उसको अच्छे से संभालते हो तो उनको भी लगेगा ना कि दीदी ने ऐसा किया तो हमको भी अच्छा करना चाहिए नहीं तो वो कहां से सीखेंगे समझ में आया क्योंकि हम कैसे जीते हैं ना उसका परिणाम केवल हमें भुगतना नहीं होता है जो हमारे अड़ोस में है, हमारे में छोटे भाई बहन उनको भी उसकी असर आती है तो ये करके हमें उनको भी सिखाना है क्योंकि वो जैसा आप करेंगे वैसा वो करेंगे ख्याल में आया हाँ तो और आ, ये और नाम क्या छोटी का नाम क्या है करिश्मा करिश्मा वो उनके पास तो आपसे ज्यादा पैसा है ना बचाए हुए खुशी के पास है करिश्मा की पास है। आ, के पास हाँ खुशी के पास बहुत ज्यादा पैसा है बचाए हुए पापा को दे देती है सेविंग्स में ये तो में देते तो उनको इंटरेस्ट मिलता है ना पापा से पापा से इंटरेस्ट मिलता है फिर आप क्यों नहीं करते है, है दादा आपको अपने पास रखना है ना अभी समझ में आ गई गलती देखो पांच साल दो हजार या पांच हजार रुपया रखेंगे तो पापा से कुछ तो, तो इंटरेस्ट मिलेगा ना मिलेगा लेकिन आपके पास ही रखेंगे तो ऐसा ही रहेगा समझ में आ गया ठीक है अंडरस्टूड वेरी वेल और हाँ। दिव्या से माफी मांग ले रहे हैं बहुत आशीर्वाद हेलो दिव्या बेन हाँ. अभी आपको हिंदी बोलने आती है ना थोड़ी थोड़ी हाँ कुछ नहीं थोड़ी थोड़ी बीच में गुजराती बोल देने का हाँ? वो चलेगा तो अभी आप बताओ आप आज एडजस्ट हुए पापा मम्मी से हाँ? अच्छा वेरी गुड कहाँ एडजस्ट हुए आप गुजराती में बोलेंगे चलेगा हाँ नहीं सुनाई दिया उठना डिप्लोमा हां वेरी गुड और बस अरे वाह ये तो बहुत बड़ा है देख हुआ है अचीवमेंट है नहीं तो बच्चे उठने में बहुत शरारत करते हैं हां राजू हां डक देखो डक ने भी बताया उन्हीं तो का उठ जाते हो कि आपको बहुत बार उठाना पड़ता है संडे को उठाना पड़ता है लेकिन कभी तो उठाना पड़ता है ना अरे वाह चोग दीव हाँ दादा मेरे संडे को नींद खुदते खुल जाती है पर संडे संडे को क्या दादा संडे को खुदते नींद खुल जाती है क्या, क्या खुल जाती है नींद दादा अपने आप ही खुल जाती है संडे को अच्छा डेली तो नहीं उठती है एक बार ही खुलती है अच्छा कुछ ना कोई प्रॉब्लम नहीं तो मम्मी देखो कितना केयर करती कि आप स्कूल में लेट ना हो जाए हाँ, है ना हाँ तो देखो मम्मी कितना एडजस्टमेंट लेते हैं हाँ ले था तो मम्मी ने पूरी ड्रेस व्रेस सब प्रेस व्रेस करके रखी थी तो मम्मी का काम क्या कर जल्दी उठ गया तो मैंने सब कुछ कर लिया था हाँ बहुत अच्छा है देखो उनको तो कितना काम रहता है सारे दिन मम्मी को हॉलिडे होती है कभी दादा आ, बहुत रेयर क्रेसेस में जब मम्मी बाहर हो जब उसके बाद हॉलिडे बोलते हैं तभी ये बाहर भी तो काम करते होते हैं ना हाँ। इसीलिए ये समझना है कभी दानी के जाते हैं इंदौर जब नहीं होता पर दादा जैसे अभी मैं वहां पे आया था केलनपुर तो दादा वहाँ भी दीदी थी तो दीदी ने पूरा वो संभाला पर दादा जब वो फिर मम्मी को फोन आता था कि ये क्या है ये क्या है इसलिए वो तो पूछना पड़ता है ना सब ठीक है हाँ। कि नहीं पर दीदी लेकिन को देखो, आ, दीदी को क्या अब दीदी तो संभाल लेती पर दादा कुछ कुछ चीजें दीदी को भी नहीं आती मुझको भी नहीं आती शॉप पर नहीं, नहीं वो तो सब कुछ कैसे आएगा इसीलिए मम्मी को फोन करेंगे क्या करना है क्या करना है वो तो अच्छा है लेकिन आप लोग अच्छे संभाल के लेकिन हम हमें समझना क्या है कि सारे दिन मम्मी पापा हमारे से हमारे साथ कितना एडजस्ट होते हैं और यहाँ पर देखो ये दादा का सूत्र जो है जिनको तालमेल बिठाना आ गया वो कभी दुख हो ही दुखी हो ही नहीं सकते वो तो सुखी सुखी रहेंगे ऐसा लगेगा जैसे कि देखो ये मोनिका ने अपने टू थाउजेंड जो बचाए हुए थे वो कितने साल का बच्चा बचत हैं हाँ वन इयर वन इयर वन इयर का टू बोलो अच्छा है लेकिन mm -hmm. वो देखो आप कैसे मल्टीप्लाई होके आता है वो देख लेना हाँ और इस भी वो पापा के उसमें सेविंग में डालो पापा की बैंक में डालो हाँ मेरे जितने पैसे आते हो मम्मी को दे देता हूँ पर जब भी उन जैसे कहीं पे भी लगते हैं तो मम्मी उसमें से माइनस कर देती है फिर बता आ, देती है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब मम्मी के पैसे तो आपके ही है ना अभी तो वो माइनस करेंगे हाँ <laughs> हाँ लेकिन अभी तो क्या आपको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा आ, नहीं तो आप कैसा भी खर्चा करोगे ना <laughs> फिर दादा फिर मैं कम खर्चे करता हूँ मुझे पता है कि हैं मेरी सेविंग्स ही हैं। तो आ, मैं ज्यादा तो तो की बड़ा सोच के आयोजन किया है कि अगर कुछ खरीदना है तो भाई आप अपने पैसे ही खरीदो तो आपको पता चले कि जरूरी है तभी आप खर्चा करेंगे क्योंकि आपकी सेविंग कम होगी लेकिन ये बात समझ गए ना एडजस्ट होने को जिनको आ गया वो कभी दुखी नहीं होंगे और जीवन की ऐसी परिस्थिति में खास करके घर पर जब ऐसा ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप अपना उपयोग कर सकते हैं वापस आने के लिए ठीक है सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एडजस्ट एवल ने बताया है कि जिसको एडजस्ट एवल आना आ गया वो संसार में सुखी होते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं मोक्ष जाते जाते ये हमारा टेढ़ापन जो है ना हाँ। वो हमें एडजस्ट होने नहीं देता हाँ। परिस्थितियों में हम एडजस्ट नहीं हो पाते तालमेल नहीं बिठा सकते इसीलिए वो संसार में भी हमें दुखी करता है और मुक्ति के मार्ग में भी बाधा डालती हाँ। समझ गए हाँ। क्लियर वेरी गुड जय सच्चिदानंद बहुत आशीर्वाद जिसके ऊपर ही हम कंटिन्यू करेंगे कल जय सच्चिदानंद हाँ, समझ गए हाँ दादा जय सच्चिदानंद दिव्या मेन मोनिका राज बहुत आशीर्वाद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सुनीता जी जय सच्चिदानंद ओके कौन पद कहानी वाला है

hold on Read. ओके okay, जय सचिदानंद मैं सच्चिदानंद वाणी ने ली अठड़मण तीर छूटे ला कातिल वे अहम दुभावी मन ने भांगी दुख बुलायु बांदी वे कड़वा शब्दे भूकाती शुल मीठा शब्दे फुल वाणी शब वे रोग नि कड़ से जड़से फुल होते जे कवी भूले दिवस मदी करवी टे દુર ઉપયોગ જે વાણી ગઈ ફરીથી સુનતા ખે અશાત વાળા મનને વાણી જેનું ખાશે તેનું જખુદે જ્યાં ખાશે ત્યાં ચરકી જાશે તો ઉપકારીને ખોદે મન થી અશાતા મુડે હતાશા જ્યાં ત્યાં કરશે ફરિયાદો દ્વેષ પ્રદોષણ હવા બગાડે તાતું પકડે રોગી માધો ते जो द्वेश भारी अशांति वाणी मन थी टीका ईर्षाग्नि जाते बीजाने तो बाड़े क्रोध प्रचुर मन वचताया वर ते जुदा द्रव्य हसी त्या भाव नहीं प्राप्त फरज खाता महाभारत मही पोता अवगण देखे बीजाना गुण देखी दाजे मही कषायो अंदर कैडे गुलांटी विपरीत बुद्धि जगत ने सांध कसाय लश्कर मनवाणी दे जगत ने शांध कषाय लश्कर मनवाणी ने ही करो કૃપા થી સહેજ નીકળશે અનાથી જ્ઞાન વગર તો કોઈ કાળે પોતાને ભૂલ જડશે નહીં જો કોઈ દેખાડે ભૂલ તો આડો ચાલશે બળશે નહી કોઈને કોઈ પણ કેશે પડજો ખાડે મિત્ર હશે તે સહેજ ટકોરે બચાવવાને આવશે આડે સાપેક્ષિત અહી વિશ્વ સંબંધે છુપી રહી છે ગુપ્ત શરત મીઠડા શબ્દે રાજી પોલ્યો કડવા શબ્દે સુખ હડપ સૌમ્ય સંબંધ જાળવવા માટે અરસ પરસ માં ખપે ગરજ પૂરે પૂરી શક્તિ સાથે બજાવવાની પ્રાપ્ત નિંદા નિંદિર ટીકા વિભૂષણ પોતે જાતે ખાડા ખોદે બીજાના પાપો ધોઈ ને ગટર ભરે છે मन ने मोहे विनिये बात सुने धीरज थी समझी ने पची उत्तर देवो कोई निये वाणी बच्चे न कापू जिदने सामे मौन जसे वो પોતાને જે નથી દેખાતી એવી ભૂલ કોઈ દેખાડે એ તો છે ઉપકારી દોસ્ત દોષો દેખાડે ફરિયાદી ફરિયાદ કરાવે તમે જે ગાળો પીરસેલી રકમ પાછી દઈ જાઉં છું પૂર્વે ઉધારી પણ ને હશે જ કોઈ હે તું વાળી આપણને ઉદ્દેશી નીકળી હે તું પકડવું सोनी जाने आपण जी ओ जोइए ते मू जब नथी वरतन मा प्यार जी दे कोई अणि सोनी उतारू अंतर मा मात्र मुसाफिर बटे मार्ग ભેળા થઈને ને વિખરા માત્ર મુસાફી વટેળા થઈ ને વિખરાતા સહુ પરપોટા ગુજરી જવાના અથડાવે છે અહમતા જે કાયા સાંજે કરશે જે ફૂલ ઉગી ખરી જશે તે મા ગાડા રાગે દ્વેષે ઉછ પાડી ને ગુજરી જશે માત્ર મુસાફીર દુનિયા मिलन मेला केवल ज्ञान धार मे पी स्वभाव रस पड़ी जाशे मोड़ा सरल पणुके सद विवेके हित अहित ने जाड़ी सीमा हितमित प्रीत करवाणी विवेके ज्ञानी छुड़ावे जग परिकम्मा नीति नियम सर धंदा पाणी होय त्या खोट कदी नहीं आवे मात्र क्रियामा मा दादा लक्षी કાળ કર્મ માયા દૂર થાવી જીવે પારિ નાવી તે માં રહી ગઈ છે કઈ ભૂ જાતે ન્યાય ન કરી શક્યા ત્યાં ଅక్రમ આવી ڈاکવે ભૂ वाणि संयोगी वर्गण यन्त्र समे पर पर आधि पवगणति जोई सुनता दोषटावे भावनविन् वनवाणी रोगनिवारक त्रिकाळसि દિ દાદા વાણી દાદ કૃપાને કારણ નાશી વાણી નીકળી જ્ઞાનાકારી પરમાર્થે વાણી ઉપયોગી ત્રિકાળ અમૃત ત્રિયોગ સજીવન મૂર્તિ सिद्ध सजीवन मूर्ति सिद्ध स्वजन्य केवर्सत्व दादा योग सव दादा योग केवर्स तत्व दादा जय सच्चिदानंद આપણું વાણી નું હજી પ્રયોગ ચાલુ હતું ને ગયા અઠવાડિયે પણ પછી પદ્યુશન પછી મોકો મળ્યો અને આમાં વાણીનું તો બધું બધી બહુ ભૂલો દેખાય દીપકાનંદજી અને એક બે વસ્તુ આમાં ગમી એમાં પ્રકાશ પાડજો ઓલું વાણીની હેતુ વાળું બે લાઈન છે કોઈ આપણી સાથે બોલે છે એની પાછળ હેતુ હોય છે એ સમજી લેવાનું હા કોઈની નૈમિત વાણી હશે કોઈ હેતુ વાળી પેલી વાત તો એ છે વાણીના લઈએ કે જે આપણને સાંભળવી પડે છે ને તે અહિયાંથી નીકળેલી છે અહિયાંથી રેકોર્ડ થયેલી છે એટલે અહિયાં થી બહાર ગયેલું છે ને તે પાછું આવે છે

તીર ગયેલા તે પાછા વડે છે સમજાયું અને એના આધારે જે ભોગવટો આવે છે ને તે આપડા પર બેકઅપ થાય છે આપણને ઉદ્દેશી નીકળેલી હેતુ પકડવો સુની જાણે એટલે આવું નીકળે તો આપણે સમજી જવાનું કે આવા તીર અહિયાંથી નીકળેલા છે હમ્મ ત્યાં પાછા આવે છે તો હવે એનો સ્વીકાર કરી લો કીધું બીજું બરું કેમ આવ્યા ત્યાં પેલું કાનમાં શિશુ રેડેલું માટે સમજાયું એટલે જે અહિયાં થી બધું નીકળેલું ને અજ્ઞાનતામાં પાછું રિટર્ન થાય રિટર્ન થાય જોખમ ઉભા થાય છે એટલે કે આ હેતુ સમજી જવાથી આપણા રિએક્શન બંધ થઈ જાય એટલે એવું થાય તો મોન થઈ જાય હું તોડ જવાબ આપી દેતા હતા મને કોઈ કેમ એમ હવે સમજી ગયા બધી ભૂલવાળી વસ્તુ છે ભૂલ થયેલી છે તે જ સામે આવે છે આ રીતે આપણે આ રીતે કે આપણને આ રીતે ભોગવટો કરાવીને છોડાવે છે એટલે આપણને જયારે એવો મોકો મળે ત્યારે એ મોકાને જતો કરવો નહીં એ મુખ્ય વસ્તુ છે કારણ કે સ્ક્રીન પર આવે ને ત્યારે દેખાય અને સમજાય સ્ક્રીન પર આવ્યું અને આપણે જોયું નહીં તો એ જતું રહે અને સ્ક્રીન પર નહીં આવ્યું અને જે કાલે આવવાનું છે ને તે આજે નહીં આવે એટલે અહિયાં વાતને સમજીને આપણે જે વખતે જે મોકો મળે તેનો આવી રીતે લાભ લઈ લેવાનો અને ચોખ્ખું કરી દેવાનું બરાબર અને એક નીચે સેકન્ડ લાસ્ટ પેજ માં હશે એમાં જ્ઞાન જ્ઞાન પછીની વાણી એમ હા આ સેકન્ડ લાસ્ટ છે દાદા કૃપા ને કારણ નાશે વાણી નીકળશે જ્ઞાનાકારી હા એટલે દાદા પાસે હવે આપણે આ વાત સમજ્યા ને આપણે સંસારમાં હતા અજ્ઞાન એટલે ભારો ભાર સંસાર એટલે એ આખી સંસાર ની જ વાણી વીટાયેલી હવે દાદાના કૃપાએ જ્ઞાન મળ્યું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું હવે જેમ જેમ વિજ્ઞાન સમજાતું જાય તેમ આખી આ વ્યવહાર વિજ્ઞાન સમજાતું જાય એ વ્યવહાર વિજ્ઞાન થી આપણે જીવતા જઈએ જ્ઞાન થી સમજતા જઈએ તેમ તેમ આખું નવું રેકોર્ડ થાય છે એટલે ઘણું તો અહિયાં જ નીકળે અને આપણને બોધ આપે પહેલી વાર નીકળવાની તો વાત બરાબર છે પણ આપણને બોધ મળે છે એ બહુ મહત્વનું છે સંજોગ આવે ને તે વખતે દાદા શું કીધું છે આમાં આવી બાબતમાં દાદા શું સમજણ આપી છે એવી જ્ઞાનાકારી વાણી આપણી નીકળે પોતાના માટે પછી એવી બીજા માટે પણ નીકળે આવ્યો આ રીતે છે

સવડી ની સામે આ દાદાની સવડી વાણી ચાલે પછી એ સવડી વાણી થી જ્યાં આપણો દોષ મટી ગયા ને તો એ ભાગ આખો સિદ્ધ થઈ જાય છે ને પછી જયારે એ સંજોગ આવે કોઈને તકલીફ પડે કે કઈ પણ એવું આવે તો પછી એ બોધ આપે આ માની નીકળે ના નાના કારી વાણી નીકળશે આમ આત્માઓ પણ બોલે છે નહી તો આપણે ક્યાં સમજણ નથી

નવા નવું રેકોર્ડિંગ થાય છે તે રેકોર્ડિંગ થયેલું આપને જ બોધ આપશે અને આપડી આપણે આપડી ભૂલોમાંથી નીકળીશું હા એટલે પછી એ દાદા અંદરથી કામ કરજો પ્રજ્ઞા ના માધ્યમથી હા એટલે અમારે સત્સંગમાં એક વાત મને બહુત સ્પર્શી ગઈ કે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ ક્યારે થયો કેવા છે કે જ્યારે અંતરવાચા કઈ હશે જ નહીં એમ એટલે કોઈ અભિપ્રાય વાળું ને અંતર એટલે અભિપ્રાય ના રે એને કેવાય આપડે કે કોઈ કશું કરે ને એટલે બાર બળબડ નથી કરતા કઈ સમજતા નથી તમે તેમ બોલ બોલ કરે છે આમ છે તેમ છે હું જોઈ લઈશ મને આ બિલકુલ ગમતું નથી આવું બિલકુલ ચલાવી નહીં લઉં આવું બધું જે અંદર બધું ચાલે છે ને તે શું છે બાર સંજોગ નથી બાર સંજોગ તો બાર બોલે પણ એ અંદર ચાલે છે એટલે એટલે દાદા કે કે એને શું જેટલું નથી ને અંદર એક્સેપ્ટ થયું નથી સમાધાન પામ્યા નથી ને એટલું એવું અંદર ચાલે હવે એ અંદર જે ચાલે એ ડિસ્ચાર્જ થતી અણસમજણ છે બધી એની સામે આપણે દાદાની સમજણ આપીને સમાવીએ એ થઈ 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 એટલે કામ પૂરું ગયું દાદા કે અમારે અંતર વાંચા જ નથી એટલે એમને અંદર કશું ભૂત થતું નથી અને જે નીકળે છે તે બાર જે બધા પ્રશ્નો પૂછે છે એના સમાધાન રૂપે નીકળે છે જે જેમાંથી એ પસાર થઈ ગયેલા છે જેમને જે બાબત જીતી લીધી છે છે એ વાત અને આપણો બોલીએ બધાને જય સચિનામ દીપક આનંદજી જય સચીરા जाना जी शेयर करवाना ऑप्शन आप हाँ ठीक है हाँ जी ये है अफवानी एक आ, पेज एट्टी एट गणपति बुद्धिना अधिष्ठाता देव

एमनी पूजा थी बुद्धि विनम्र थाय विभ्रम न थाय विपरीत न थाय महीना में बे अर्चन आवी हो आवी हो ए पन रोज बो लागे तो विपरीत बुद्धि ए भी बुद्धि विभ्रम न थाय विपरीत न थाय एटला माटे गन गन्ना पति ने गणपति ने प्रथम पूजा मा मुके छे पन समझ्या वगर पूजा थाय ते छे ते पल जो जो जो

ये जो बताया ना लास्ट में कि वो सदबुद्धि देते उन्होंने मतलब जो अवस्था प्राप्त किया है तो उनके मतलब पूजा से उनकी जो जैसी दशा सदबुद्धि प्राप्त होती ये ये मुझे समझ में है। सही है देखो हाँ। गणों के पति एक लक्ष्य यहाँ तीर्थंकर परमात्मा होते हैं ना उनके जो गणधर होते हैं उसमें जो प्रथम गणधर होते हैं उनको गणपति कहा गया है समझ में आया ये बात है अभी जी जो भगवान के शिष्य होते हैं पट शिष्य होते हैं वो संपूर्ण समर्पित होते हैं आज्ञांकित होते हैं और आज्ञा की तौर ज्ञान में स्थिर हुए हैं बुद्धि बुद्धि को पार कर दिया है इसीलिए उनकी आराधना करने से उनको उनकी पहली पूजा करने से बुद्धि विपरीत बुद्धि ही हमें धोखा देती है परेशान करती है और मार खिलाती है विघ्न डालती है बाधाएं डालती है अभी हम गणपति जी की आराधना करें उनकी पूजा करने से होता है क्या उनकी ये जो गुण है ना हमारी बुद्धि सम्यक होती है इसमें जो विभ्रमता है विपरीतता है वो निकल जाती है आइए समझ में आया आ, ये आ, जैसे कि हम माता जी की आराधना करते हैं खुड़ियार माता जी की आराधना करते हैं भद्र भद्रकाली माता जी की आराधना करते हैं आदिशक्ति माता जी की आराधना कर लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं सरस्वती माता जी की आराधना करते हैं तो जहाँ जहाँ जो जो दोष हुए ना हमारी प्राकृतिक दोष वो उनकी आराधना से टूट जाते है समझ में आया ये गणपति जी का इस तरह से ठीक और, और ये और... समझ ये ये जो समझे बगैर करते हैं ना उनको परोक्ष लाभ मिलता है और जो अच्छे से समझ के करते हैं उनको सीधा यानी प्रत्यक्ष लाभ मिलता है लाग, प्रत्यक्ष लाभ प्रत्यक्ष लाभ मतलब कि मोक्ष का प्रत्यक्ष नहीं 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 प्रत्यक्ष लाभ यानी आपको वो समझ में आता है आप जैसे नींद नींद में किसी ने आपको मिठाई खिला दी तो वो नींद में चले जाता है ना समझ में नहीं आता है लेकिन जागृत अवस्था में कोई आपको खिलाएंगे अच्छा सा, तो आप उसका भुगतते हैं ना अच्छे से तो इधर प्रत्यक्ष लाभ क्या है इसमें जो है मतलब बुद्धि बुद्धि सही हो प्रत्यक्ष समझ के करते हैं तो आपकी बुद्धि ढंग से चलेगी विपरीत परिस्थितियों में और आपको उस परिस्थिति में से निकालेगी और हमको पता चलेगा उसके बारे में कि ऐसा हो रहा है हाँ विघ्न बोले ने उसका भान हमको जी बताया है प्रत्येक हाँ? मतलब उस वो लाभ का हमको भान होगा जो आ, नहीं नहीं लाभ तो दोनों को होता है हाँ लेकिन प्रत्यक्ष लाभ यानी आप वो सुख का सुख को एहसास करते हैं उसका तो अनुभव करते हैं इसलिए बोले ना कि जागृत में अगर आपको मिठाई खिलाई तो आप उसकी मजा लेते हैं ना हाँ। अच्छे अच्छे भुगतते हैं लेकिन हाँ। मीन मी नींद में ही खिला दिया हाँ। तो आप वो, वो भुगत नहीं पाए आप समझ एक एक इसी का जो है एक वो बुक है नट्टू काका का उसमें भी दिया है वो जरा मैं थोड़ा हाँ नट्टू का एटीन पेज फोर्टी टू इसमें गणपति एटले ज्ञानी एक मिनट बुक एटीन हाँ पेज फोर्टी टू ये पेज फोर्टी टू या पेज वो पेज फोर्टी वन सॉरी वो जो पीडीएफ का पेज पीडीएफ फोर्टी वन हाँ अब बताइए गणपति एटले ज्ञानी पुरुष महावीर हाँ गंधर्व ज्ञान गणपति इसमें इसमें एक और चीज उन्होंने लिखा गणपति एटले ज्ञानी पुरुष हाँ इसके बारे उसका पर, मतलब कुछ का मतलब क्या है महावीर भगवान के गंधर्व जो थे वो गणपति थे हाँ ये तो आपने बताया अभी दूसरा दुस्ता हाँ अरे गणपति एटले ज्ञानी पुरुष हाँ ज्ञानी पुरुष यानी देखो भगवान की तो उपस्थिति ही काम करती है काम कर, जो बाहर काम करते हैं यानी लोगों से जाके मिलते हैं वो गणधर देव ही जाते हैं वे ही ज्ञान देते हैं बोध देते हैं लोगों को इसीलिए गणपति यानी तो वे ज्ञानी पुरुष है मतलब ज्ञानी पुरुष है और ज्ञानी पुरुष भी गणपति ऐसा 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 दोनों साइड पे है हाँ अच्छा मतलब दादाजी भी जो है गणपति उनको कह सकते हैं हाँ बिल्कुल अच्छा और शिवांदेश वो शिवांदेश स्वामी प्रभु के गणपति है यहाँ और जो आगे जो लिखा है कवि तो बहुत कुल कुलों कुनो कुनो है सॉफ्ट कुलों अना अना होना चाहिए अच्छा वो अच्छा अना होना चाहिए तो मैं कनुबाई ने कही हूँ छे के ते, तेनी बोल थाए तो कुल मुक्षो हाँ, फूल मुखशो फूल मुखशो नहीं नहीं फेंक दे दो हां फेंक ही दे दो नहीं लक्ष्मण नहीं लेता अच्छा तो तो निरंतर मारा महाराज मारा को आए ले रहे थे अच्छा ओएलो रहे छे ओएलो रहे छे ठीक है ये समझ एक लास्ट और पूछना है

तो क्रमण में आयोजन आयोजन ओ... आयो पूर्वक सोच समझ के जो गलतियां होती है ना उसका प्रतिक्रमण चुकना चाहिए नहीं ये बात अच्छा, समझना है अच्छा वरना प्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण करना होता है तो मतलब क्रमण में जो है वो मतलब मेलू होता है जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं मेलू होता है हाँ हाँ क्रमण एटले आप अपने एम ने एम मेलू था है। हाँ कपड़ा खराब होना स्वाभाविक है मतलब, मतलब, इसका इसका विवेक समझना है हाँ, मतलब, कि कहाँ पर आपको चुकना नहीं चाहिए मतलब कहना क्या चाहते कि मेलो होता है तो मतलब वो क्या बताना चाह रहे क्रमण में जो है क्रमण के बारे में क्या बताना रहे वो, वो ज्यादा यानी ज्यादा सीरियस डाक पड़े है हाँ, जिसका प्रॉब्लम आ जाए तो उसको उसका प्रतिक्रमण चुकना नहीं चाहिए आ, बाकी कोई छोटा मोटा या नहीं इसका मतलब क्या है कहा प्रतिक्रमण नहीं करेंगे ये बताते हैं। और कहा प्रतिक्रमण करना ही चाहिए मतलब आप जहाँ क्रमण में क्या क्या आता मेलू था है मेलूथ आए मतलब वो मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ मेलू था का क्या मतलब यहाँ दादा ने ऐसा बताया है थोड़ा निकलता है वो स्वाभाविक है अच्छा बिल्कुल मेला हुआ वो भी ठीक है लेकिन एकदम डाक पड़ता है यानी तीव्र डाक पड़ता है तो तो बोले चाहिए चाहिए ही चाहिए। और इसमें आगे जो एक और प्रशन करता है इसलिए रिलेटिव चोखो राखो जरूरी जी है श्री ये वो नहीं रिलेटिव जोनु था कपड़ो कपलों जोनु था ये नथी क्रमवन्त आगल एकदम डाग बढ़ियो होए तो आपना विरुद्ध के विरुद्ध का इतने ये डाग धोई ही नाक वो जो ही है इतने तो प्रति करो हाँ ये भी सेम यही बोलता रहे और एक हाँ एक ये है

गलती के पक्ष में है तो वो दोष जाएगा नहीं दोष बढ़ भी सकता है इसीलिए प्रतिक्रमण कर लेने से वो निकल जाता है। समझ में आए वो दबान का क्या बताना चाह रहे हैं रिलेटिव प्रतिक्रमण रिलेटिव पर होता दबान और अतिक्रमण जो गलती प्रतिक्रमण અતિક્રમણ કરવાથી શું થાય કે આત્મા એના રિલેટિવ ઉપર પોતાનું દબાણ આપે છે પોતાનું એટલે ચોખ્ખા પોઝિટિવ દબાણ આપે છે કારણ કે અતિક્રમણ એટલે શું થયું કે રિયલ ઉપર દબાણ આપે અતિક્રમણ યાને દાદા બી હે રિલેટિવ કો રિયલ માના ના તો વો અતિક્રમણ હે अच्छा वो इस तरह तो से रिलेटिव के ऊपर अभी रिलेटिव के ऊपर प्रतिक्रमण करने से रियल का दबाव आता है मतलब वो उसका और वो दबाव ये गलती अतिक्रमण वो रियल के ऊपर रिलेटिव का दबाव है दबाव है दबाव मतलब उसका इफेक्ट आना जो है उसकी असर आती है असर आती है अच्छा ठीक सब क्लियर धन्यवाद जय श्री कृष्ण જય એ છે કે આપણે વિધિમાં બોલીએ છીએ શાસન શાસન દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કરું છું વિતરાક શાસન દેવ દેવીઓમાં મને આવી રીતના સમાજ આવે છે અને એ રીતના સવારે પ્રેયર થાય છે ચંદ્રાયણ યેવ સિમંદર સ્વામી પ્રભુ ના શાસન દેવ દેવી છે પાર્શ્વનાથ ભગવાન ના પદ્માવતી દેવી અને ધર્ણેન્દ્ર દેવ છે એટલે શાસન જોડેક્ટલી કનેક્ટેડ મહાવીર ભગવાનનાક્ષ દેવિર માતાંગ યક્ષદેવ અને સિદ્ધિકા દેવી મહાવીર ભગવાન બરાબર છે એટલે કેવાનું શું

એટલે જે નિષ્પક્ષ અહીંયા થયેલા છે ને દેવપતિને પામે છે તો એ નિષ્પક્ષ થાય બીજા વિતરાસન દેવ દેવ ત્રીજા સંકિત દેવ કહેવાય એટલે અહીંયા સંકિત પ્રાપ્ત કરીને જે દેવ થયા છે ને જેમ કે મણિભદ્રવી પછી નાકોડા ભૈરવાય દેવ

આ નેચર સવારે જે સૂર્ય દર્શન કરીએ છે એટલે એમની વિતરાકતાના દર્શન બહુ થાય છે અનકન્ડિશનલી ધ બીકોઝ ઓફ ધર પ્રેસન્સ ધ હોલ બધી લાઈફ એક્ઝિસ્ટન્સ પણ એમાં બહુ વિતરાક એટલે દસ ઇઝ વોટ આઈ વોઝ થિંકિંગ પવનના દેવ વરસાદના પાણીના દેવ पृथ्वीन देवो दीप्यो ए अनकंडीशनली बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑल द लाइफ इज एग्जिस्टेंस आई डोंट नो दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग दैट पॉजिटिव आप चरा आई नो के मने समझतो तो बराबर छे तो बराबर छे नहीं ये बदला देवो छे इनचे पानीना इंद्र महाराज वरुण देव हवाना

બહુ એટલે એટલે આ શું કે આપણી અંદર બધું વાયુ ઊંધો ચતો થયેલો હોય ને તો તે સરખો થાય પણ એમાં આપણે આ મંત્રમાં બધું આવી જાય આપણે વિગત જરૂર જ નથી કરતા હોય તો પાણી એટલે મારાથી સહજ રીતના એ આઈ નો પ્રોબ્લેમ છે ના આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ વોટ આઈ એમ સીંગ ધેટ સમટાઈમ્સ વેન આઈ એમ સાઈડ આઈ લુક એટ આઈ વર્શિપ આઈ એડમાયર ધેર Reasons. I really appreciate their being there. I know they are Sahaj che, Pawan, Surya, Chandra, Ani. Because of their all the livings. So that's Vitrakta. That's what I was thinking. Vitrak Bhagavan. That's what Nana, I was thinking. Yes. આ એક ચૌદમી આપતા વાણીમાં પેજ નંબર સિક્સટી થ્રી છે અને એમ તમે ફોટો પણ તમને છે

લોકોને દુખ ના થાય એ જોવું હવે એની સામે હું લોકોને ખુશ કરવા જાઉં તો એ રાઈટ છે કે કોઈ દુઃખ ના થાય એ રાઈટ છે બોલો કોઈને દુઃખ ના થાય રાઈટ કારણ કે આ તો કેવું છે હું તમને લાડવા આપું કે તમે ખુશ થશો

કોઈ જાતના વાંધા ઉઠાવી શકે એના કરવાપણા જેનો કરવાપણાનો આગ્રહ ખલાસ થઈ ગયો છે એનું નામ સહજ એજ સ્યાદ્વા

અને પેરું ટોટલ કરવા પણામાંથી નીકળી ગયા એ કેવળ જ્ઞાન એટલે પછી ક્રિયાના ભાગનું કશું રહ્યું જ નહીં એમ કરી છે અને વર્તનમાં આવવું એ સ્પષ્ટતા છે એટલે ખ્યાલમાં આવવું એ વાત છે

પતિ નીચે એટલે ભગવાન છે કેવળ દર્શન અને કેવળ જ્ઞાન કે બે ભેગું રહે એને પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ કહેવાય પ્રતિથી માં આટલો આનંદ રહે તો મૂળ વસ્તુ પામ્યા કેવો આનંદ આવે ખબર પડી કેવળ જ્ઞાન માં કેવળ દર્શન છે જ એટલે કેવળ જ્ઞાન થાય ને એટલે એટલે કેવળ દર્શન હોય કે બે ભેગું એનું નામ પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ એટલે સિદ્ધ સિદ્ધ ગતિ ની દશા બતાડી

તે પેલું પરિણામ લાવીને ઉભું કરશે કેવળ જ્ઞાન લક્ષ રે તો આપણા પુરુષાર્થના ભાગનું એટલે સમજણ ના ભાગનું કેવળ દર્શન થયું કેવાય કોઈ આપણે પૂછે ત્યારે ખબર પડે હા હું શુદ્ધાત્મા છું એમને યાદ નથી રહેતું એમને એટલે સંજોગોના દબાણ વખતે હું શુદ્ધાત્મા છું રે તો લક્ષ હાજર રહેલું કેવાય સંજોગોના દબાણમાં હાજર નથી તો કે કે કૃપાના ભાગની પ્રતિતિ કામ કરી એટલે પૂછે ને તમે કોણ છો તો કે હું શુદ્ધ આત્મા છું પણ સંજોગોના ધક્કામાં ધકેલાઈ ગયેલા હોય અસરમાં હોય એવી એવી પ્રતિ માં આટલો આનંદ રહે તો મૂળ વસ્તુ પામ્યો કેવો આનંદ આવે બરાબર

जहुरू आडूया अवडू जुवे छे ज्ञानी तु सवडा करुणा राख छे हरदम छे मुश्किल ज्ञानी ने कड़वा विपरीत बुद्धिनी शंका સુનતા ગઈ બીજાદુથી છતા અમને નથી દંડ્યા ન કરિયા એ દહું તુથી સામાન્ય રીતે આડું અવળું કોઈનું જુએ ને કારણ કે આપણી વ્યવહાર માન્યતા એટલી બધી ગાઢ થઈ છે કે સારું ખરાબ એના ઝઘડા આપણે હોય જ પણ એ બંનેમાં રાણી પુરુષ દાદા ભગવાન બંનેનું સૌડું જોતા હતા કારણ કે બંને કર્મનું જ પરિણામ છે એમાં બંનેનું ચાલતું નથી સારું કરે છે ને એ એ પ્રકૃતિ સાત્વિક છે એટલે સારું કરે છે પેલું ખરાબ કરે છે પ્રકૃતિ તામસિક છે એટલે ખરાબ કરે છે તો રાણી પુરુષ બંનેને કારણ કે બંને કર્મનું પરિણામ જ છે અને ભગવાન કરુણા રાખે છે કરુણા રાખે એટલે કેમ કરીને એમનું કલ્યાણ થાય પેલા સાત્વિક પ્રકૃતિ વાળા ગર્વ રસલેખ તો બહુ સરસ અને તામસિક પ્રકૃતિ વાળા તામસિક એની પ્રવૃત્તિ તો ચાલુ છે પણ વખત એને સમજાય તેને પસ્તાવો થયા કરે પણ એ બંને એવી રીતે ગર્વ કરે છે કારણ કે એ તો પેલું તો ઊંધું કરવાનું જ પણ કરુણા રાખે એટલે કેમ કરીને એમ કે એમનું કલ્યાણ થાય એટલે આવી રીતની સમજણ વાળા જ્ઞાની હોય છે એ સમજાવવું કડવું એટલે સમજાવવું મુશ્કેલ છે અને આપણે પણ આ પંક્તિઓની આરાધના કરવાથી આપણને પણ કોઈનું પણ આડું અવડું સવડું દેખાવા માંડશે અને એ માટે ભાવના કે કેમ કરીને એ લોકોનું કલ્યાણ થાય પછી રીતે વિપરીત શંકા આપણામાં વિપરીતતા છે બુદ્ધિની એ વિપરીત બુદ્ધિ હજી પણ કામ કરે છે જે જ્યાં ને ત્યાં શંકા કુશંકા કરાવે છે તો કે દાદા પાસે એવી વાતો આવે તો કે કોઈને દંડતા નથી એટલે જાદુ છે એ આખી વાત સમાવી લે છે આખી વાત સમાવી લે છે એટલે શમા ગમે તેવી શંકા કરે પણ એમને એમણે એમને કે લોકોને ક્યારે જુદા પાડ્યા નથી કારણ કે આપણે શંકા કરે કુશંકા કરે તો આપણે એમને આપણને ના ગમતા થાય પણ એમણે એવો ભેદ પાડ્યો નથી એટલે તમે ને અમે અમે સારા ને તમે આવા હવે આ રીતે આપણે રહીએ તો આપણો જે ભેદભાવ છે આ માન્યતા અભાવ તિરસ્કારના લીધે જે ભેદભાવ છે તે આખો જતો રહી

આપણી કલ્યાણ ભાવના અને અભેદ થવાય બધા પરિણામ આપણને સહજમાં થશે બીજું કશું કરવાની જરૂરત નથી દાદાએ મોડામાં જ અમૃત આપી દીધું છે બસ એને વાગોડવાની જરૂરત છે જય સચિદાનંદ

Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Vajjayanam. Namo Loi Savasahunam Sahunam. Namo Loi Savva Sahunam. Eso Pancha Eso Pancha Namukkaro. Savva